अब हम ईसोफेगस के ऊपर बक्कल कैविटी के पोर्शन को देखेंगे। जब हम माउथ को, माउथ ये नोज है, ये नोज है, ये माउथ है, जब हम माउथ को ओपन करते हैं, माउथ के ओपन करने के बाद जो हमें अंदर में जो पोर्शन दिखाई देता है उसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोला जाता है। तो हमें माउथ के अंदर बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं। अब बक्कल कैविटी में हमें क्या क्या दिखने देखने को मिल रहा है? बक्कल कैविटी में टीथ है, टंग है। टीथ और टंग ओरल कैविटी का पोर्शन है। टीथ क्या कर रहा है? जब हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो उससे चबाने में, चबाने का काम कर रहा है, मैस्टिकेशन का काम कर रहा है। और ये नोज वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, मैंने ये लाइन जो ऐसे से ड्रॉ किया है, ये नोज वाला पार्ट है, इसे हम नेसोफेरिंक्स बोल रहे हैं। आप ये वाला जो रीजन देख रहे हैं इसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। ये वाला जो रीजन दिख रहा है आप सब, ये वाला रीजन जो देख रहे हो इसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक स्पेस है, एक खाली जगह है जहां से फूड और एयर दोनों एक ही स्पेस से पास हो रहे हैं, एक ही स्पेस से पास हो रहे। फेरिंग्स एक स्पेस है जो कि प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है फूड और एयर को पास होने के लिए। तो फेरिंग्स, जो फेरिंग्स का पार्ट नोज से कनेक्ट है उसे हम नेसोफेरिंक्स बोलेंगे। फेरिंग्स एक स्पेस है जो कि फूड और एयर के लिए कॉमन जगह दे रहा है, पाथ प्रोवाइड कर रहा है पास होने के लिए। और फेरिंग्स का जो पार्ट नोज से कनेक्ट है उसे हम नेसोफेरिंक्स बोलेंगे। और फेरिंग्स जो बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी के साथ ज्वाइन है उसे हम ओरोफेरिंक्स बोलेंगे। तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो जो नोज से कनेक्ट है उसे हम नेसोफेरिंक्स बोलेंगे, नेसोफेरिंक्स बोलेंगे। और जो पार्ट फेरिंग्स का ओरल कैविटी से कनेक्ट है, फेरिंग्स का जो पार्ट ओरल कैविटी से कनेक्ट है या बक्कल कैविटी से कनेक्ट है उसे हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। ये ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स है। तो ये एनसीईआरटी में ये मेंशन किया हुआ है कि फेरिंग्स एक स्पेस है जो कि फूड और एयर को पाथ प्रोवाइड कर रहा है पास होने के लिए। लेकिन जब हम फूड इनटेक करते हैं, जब हम फूड इनटेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो एयर भी साथ में जा रहा है। लेकिन एयर को क्या है? एयर को तो लंग्स में जाना है, एयर को तो लंग्स में जाना है। और फूड ऐसा ना हो कि फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं वो हमारे विंड पाइप में चला जाए। ये ईसोफेगस है। देखो बच्चों, जब हम यहाँ पे टच करते हैं या नेक वाले पोर्शन में टच करो, जब हम बोल रहे हैं तो ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो आवाज़, हम आवाज़ जो हमारे मुंह से निकल रही है क्यों निकल रही है, क्यों हमें सुनाई दे रहा है? क्योंकि एयर जब इस वोकल कॉर्ड से जब वाइब्रेट होता है तो वहाँ से साउंड निकल रहा है। तो ये विंड पाइप है, विंड पाइप के पीछे में फूड पाइप है। तो ये विंड पाइप है, जब हम फूड इनटेक करेंगे तो वो फूड का पार्टिकल जो है विंड पाइप में ना चला जाए। तो इसलिए यहाँ पे एक कार्टिलेगिनियस फ्लैप दिया गया है, एक ढक्कन दिया गया है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ ये कार्टिलेगिनियस फ्लैप है, इसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, इसे हम एपिग्लॉटिस बोल रहे हैं। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो वो फूड पार्टिकल क्या कर रहा है? फूड पार्टिकल जब जैसे ही इस फेरिंग से पास होकर नीचे जाता है तो ये एपिग्लॉटिस इस विंड पाइप को बंद कर देता है, ये ढक्कन इसके ऊपर आके ऐसे बंद हो जाता है। तो फूड पार्टिकल जो इस विंड पाइप में नहीं जा पाता है।
तो इसे हम बोल, ये विंड पाइप है। ये विंड पाइप है और ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है इसे हम एपिग्लॉटिस बोलेंगे, एपिग्लॉटिस बोलेंगे। एपिग्लॉटिस से कार्टिलेगिनियस फ्लैप है जो कि विंड पाइप के ऊपर ढक्कन की तरह काम करता है। जब हम फूड को इंटेक करते हैं तब ये एपिग्लॉटिस विंड पाइप को बंद कर देता है। ये एपिग्लॉटिस है, एक कार्टिलेगिनियस फ्लैप है। ये कार्टिलेगिनियस फ्लैप एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, एपिग्लॉटिस से कार्टिलेगिनियस फ्लैप है जो विंड पाइप को बंद कर देता है। तो विंड पाइप है, विंड पाइप के कौन से पोर्शन को बंद कर रहा है? ये एपिग्लॉटिस जो है विंड पाइप के कौन किस पोर्शन को बंद कर रहा है? ग्लॉटिस को बंद कर रहा है। विंड पाइप के कौन से पोर्शन को बंद कर रहा है? विंड पाइप के कौन से पोर्शन को एपिग्लॉटिस बंद कर रहा है? इसे हम बोलेंगे ग्लॉटिस। बहुत ही इजी है, आप ध्यान से देखो। फेरिंग्स था, फेरिंग्स का जो पार्ट नोज से कनेक्ट है उसे नेजोफेरिंग्स बोलेंगे। फेरिंग्स का जो पार्ट ओरल कैविटी से कनेक्ट है उसे ओरोफेरिंग्स बोलेंगे। फिर मैंने बोला जब हम फूड को इंटेक करेंगे तब फूड जो है फेरिंग्स से पास होते हुए नीचे इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। लेकिन फूड पाइप, फूड पार्टिकल जो है विंड पाइप में ना चला जाए तो इसलिए यहाँ पे एक कार्टिलेगिनियस फ्लैप दिया गया। ये जो रेड कलर का जो है कार्टिलेगिनियस फ्लैप मैं दिखा रही हूँ, इसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो एपिग्लॉटिस एक ढक्कन है जो कि विंड पाइप को बंद कर देता है। विंड पाइप के किस पोर्शन को एपिग्लॉटिस बंद कर रहा है? ग्लॉटिस पर्सन को, ग्लॉटिस पोर्शन को एपिग्लॉटिस बंद कर रहा है। ये एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है कि विंड पाइप जो है ग्लॉटिस, विंड पाइप जो है विंड पाइप के ग्लॉटिस पोर्शन को एपिग्लॉटिस क्लोज कर देता है जब हम फूड को इंटेक करते हैं। अब इसके नीचे आ रहे हैं, फेरिंग्स हमने देख लिया, एपिग्लॉटिस भी देख लिया, ग्लॉटिस भी देख लिया। अब हम इसोफेगस में आते हैं। इसोफेगस को हम फूड पाइप बोल रहे हैं। इसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसोफेगस क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड है, थिन वॉल्ड है। इसोफेगस में जब हम इसोफेगस में आते हैं तो इसोफेगस का बस एक ही काम है, फूड को नीचे की तरफ पुश करना, फूड को नीचे की तरफ पुश करना, स्टमक की तरफ ले जाना। तो इसोफेगस में ऐसा कौन सा काम हो रहा है, ऐसा कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसोफेगस के वॉल में, ऐसा कौन सा काम हो रहा है जो कि फूड को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, नीचे की तरफ लेके जा रहा है? तो इसोफेगस के वॉल में, इसोफेगस के वॉल में एक मूवमेंट होता है, उसके मसल्स में एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम प्रेस्टिलेटिक मूवमेंट बोलते हैं, उस मूवमेंट को हम प्रेस्टिलेटिक मूवमेंट बोलते हैं। उस मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, जो फूड पार्टिकल जो है वो स्टमक की तरफ आ रहा है। तो हम प्रेस्टिलेटिक मूवमेंट देखते हैं। प्रेस्टिलेटिक मूवमेंट क्या होता है? इसोफेगस के वॉल में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस टाइप का मोमेंट होगा उसके वॉल में। ये सम मानो कि ये फूड पार्टिकल है। ऊपर वाला माउथ जैसे ही नैरो होगा, छोटा होगा, तो ये जैसे ही माउथ ऊपर वाला नैरो होगा तो ये नीचे की तरफ, इसे नीचे की तरफ फूड पे फोर्स लगाएगा, ये फूड नीचे की तरफ आएगा। फिर ये वाला माउथ ऊपर वाला पोर्शन फिर से नैरो होगा तो वो नीचे की तरफ इस फूड पार्टिकल में फोर्स लगाएगा। तो इस टाइप के मूवमेंट को जो मसल इसोफेगस के मसल्स में हो रहा है, मतलब सारे स्टमक में भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, सब जगह इस उसके मसल्स में मूवमेंट होगा, इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो अब इसोफेगस में एक चीज़ और याद, हमें याद रखना है कि यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है, नो डाइजेशन
नो डाइजेशन टेक प्लेस, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, जबकि हमारा डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो चुका है। माउथ में हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हम फूड में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं। हम फूड में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो माउथ में फूड के किस कंपोनेंट का डाइजेशन स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है माउथ में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो माउथ में हो रहा है, बक्कल कैविटी में हो रहा है डाइजेशन स्टार्ट। लेकिन जब वो फूड पार्टिकल जब ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के कारण वो फूड पार्टिकल स्टमक में आ रहा है, स्टमक में। लेकिन ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ ईसोफेगस का काम है कि उस फूड पार्टिकल को नीचे की तरफ ले जाना। जब वो फूड पार्टिकल स्टमक में आ रहा है, अब फूड पार्टिकल स्टमक में आ रहा है, स्टमक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्टमक का शेप जो आकार जो है जे का है, जे की तरह वो दिखता है। लेकिन स्टमक वाले पोर्शन को भी, स्टमक को थ्री रीजन्स में बांटा गया है, थ्री रीजन्स में डिवाइड किया गया है स्टमक को। तो इस थ्री रीजन्स के नाम है कार्डियक रीजन, फिर कार्डियक रीजन के बाद आता है फंडिक रीजन। ये एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, मैं जो भी बता रही हूँ वो सब एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। स्टमक जे की तरह दिखता है, स्टमक के रीजन्स को थ्री भाग में डिवाइडेड किए गए हुए हैं। पहला रीजन है कार्डियक रीजन, उसके बाद है फंडिक रीजन, तीसरा है पाइलोरिक रीजन।